दोस्तों अक्सर जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें कई तरह के टेस्ट करवाने को कहता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह वगैरह। इनमें से कई टेस्टों के बारे में तो आपने सुना होगा और कई सारे टेस्ट आप करवा भी चुके होंगे, लेकिन कई बार डॉक्टर हमें MRI टेस्ट करवाने को कहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये MRI टेस्ट इंसान की जान भी ले सकता है, उसके बावजूद डॉक्टर इस टेस्ट को करवाने की सलाह देते हैं। MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दोस्तों ये है MRI मशीन। इसे देखकर आपको क्या लगता है कि इंसान को इस मशीन के अंदर डाला जाता होगा और मशीन उसे स्कैन कर लेगी और बता देगी कि इसके बॉडी पार्ट में कहां पर कौन सी बीमारी है। आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप इसके बारे में नहीं जानते। दोस्तों MRI स्कैन एक्सरे और CT स्कैन से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ एक्सरे और CT स्कैन में खतरनाक रेडिएशन का इस्तेमाल होता है, वही MRI स्कैन मैग्नेटिक फील्ड पर वर्क करता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, यानी कि एक ऐसा स्कैन जो मैग्नेट की मदद से किया जाता है। दोस्तों हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन होता है वहाँ उसके घूमने से एक इमेज बनती है। आपको ये बात तो पता ही होगी कि इंसान के शरीर में 70% पानी होता है और पानी के हर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के तो होते ही है। ये एटम पानी के साथ पूरी बॉडी में मूव करते रहते हैं और जैसे ही इंसान MRI मशीन के कॉन्टेक्ट में आता है तो इस मशीन में लगी चुंबक एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन के एटम्स से जाकर मिल जाती है और ये दोनों मिलकर एक इमेज बनाते हैं, या यूं कहें कि हमारी बॉडी की 3D इमेज लेते हैं। और जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है, MRI स्कैन इमेजेस को बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है और ये रेडियो वेव्स मशीन की मदद से ही भेजी और रिसीव की जाती है और यही सिग्नल बॉडी के स्कैन किए गए हिस्से की इमेज बनाते हैं और इन डिजिटल इमेजेस को देखकर डॉक्टर बीमारी का अंदाजा लगाते हैं। दोस्तों MRI स्कैन की हेल्प से सॉफ्ट टिश्यू वाले बॉडी पार्ट जैसे कि दिमाग, घुटने, रीढ़ की हड्डी, इनकी बीमारी को आसानी से स्कैन किया जा सकता है। इसके अलावा छाती, लिवर और दूसरे ऑर्गन की जांच के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि इस टेस्ट में 15 से 90 मिनट तक का समय लग सकता है। वैसे ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि शरीर का कौन सा और कितना बड़ा हिस्सा स्कैन किया जाना है और उसकी कितनी तस्वीरें लेनी है। वैसे MRI स्कैन ने डॉक्टर्स के काम को काफी आसान कर दिया है, क्योंकि MRI स्कैन काफी सटीक तरीके से किसी भी बीमारी का पता लगा सकता है और यही वजह है कि डॉक्टर पेशेंट्स को MRI स्कैन कराने की सलाह देते हैं। हालांकि कई बार इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एलर्जी, सिर दर्द और आंखों में जलन। लेकिन अगर आपने कोई मेटल की चीज पहनी है या फिर आप MRI रूम में कोई मेटल की चीज लेकर भी गए हैं तो फिर तो आपको भगवान ही बचा सकते हैं। दरअसल ये जो MRI मशीन है, ये अपने आस पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ऐसा करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आजकल ज्यादातर हॉस्पिटल में 1.3 से 3 टेस्ला मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से भी 60,000 गुना ज्यादा तेजी से चीजों को खींचने की पावर होती है। MRI मशीन मिसाइल जैसी स्पीड से लोहे को अपनी ओर खींचती है और ऐसे में अगर किसी के पास मेटल की कोई चीज हो तो आप समझ ही सकते हैं क्या क्या हो सकता है। इसका अंदाज आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 3 टेस्ला यूनिट कैपेसिटी वाली MRI मशीन लोहे की पूरी अलमारी को अपनी ओर खींचने की ताकत रखती है। यानी मशीन जितनी ज्यादा टेस्ला वाली होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। दोस्तों टेस्ला वो यूनिट है जिससे मशीन की कैपेसिटी को मापा जाता है। कई बार लोग कुछ छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं और जो बाद में जाकर उनके लिए मुश्किलें पैदा कर देती हैं और इनसे कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। ऐसे ही एक महिला की जान तो जाते जाते बची। दरअसल MRI रूम में जाने से पहले वो महिला अपनी हेयर पिन निकालना ही भूल गई और फिर जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में आई उसने अपना काम कर दिया। आपको हैरानी होगी लेकिन वो हेयर पिन उस महिला के बालों से निकलकर नाक से होते हुए सीधे उसके गले में जा फंसी और इसके बाद डॉक्टर्स ने जैसे तैसे सर्जरी की और उस महिला की जान बचाई। अगर MRI मशीन बंद भी है तब भी ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मशीन बंद होने पर भी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रह जाती है और वो मशीन उतनी ही पावर से चीजों को अपनी ओर खींच सकती है और इसी वजह से MRI रूम में जाने से पहले बेल्ट, अंगूठी, इयररिंग्स और सभी तरह के गहने वगैरह उतरवा लिए जाते हैं। पेशेंट के पास मेटल की कोई चीज ना भी हो तब भी अनजाने में गड़बड़ी हो सकती है। आपको यकीन ना हो लेकिन नकली दांत, सुनने की मशीन, विग और यहाँ तक कि मेकअप में भी मेटल का यूज किया जाता है और जो बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इन टुकड़ों को अपनी ओर खींचेगी तो इससे गंभीर चोट लग सकती है। तो दोस्तों देखा आपने ये MRI मशीन कितनी खतरनाक होती है। वैसे आप में से किस किस का MRI स्कैन हुआ है कमेंट करके जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और